इटावा में ट्रेन से अगवा कर एक 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को कानपुर आगरा हाईवे पर रात के अंधेरे में फेंककर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़िता इटावा कोटा एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश के भिंड के मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद अपने घर लौट रही थी। आरोप है कि ट्रेन में युवती के पीछे पीछे एक युवक आया और कुछ देर बाद युवक मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगा, जिस पर युवती ने नाराजगी जताई और दूसरे डब्बे में चली गई। इसी बीच चलती ट्रेन में युवक ने नशीला पदार्थ सुंघाया, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। युवती का आरोप है कि जब उसे होश आया तो वो एक कमरे में थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, कमरे में 3 लड़के मौजूद थे और सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के साथ वो अपने ममाने से आ रही थी, सोनी पर स्टेशन से बैठी इटावा के लिए, बीच में उसके साथ घटना हुई। एक लड़का भिंड में जो है चढ़ा और वीडियो उसका बनाया तो इसने मना किया, इसने अपना डिब्बा भी चेंज कर दिया। फिर उसका पता नहीं कहाँ जी इटावा तक आया, क्या आया, इसने क्या सुनाया, क्या नहीं किया। फिर जो है कहा नाम, जब इसने आँखें खोली बता रही तो कहा 3 लड़के थे। आपको कैसे पता चला, कहाँ मिली फिर आपको? हम तो इटावा देख रहे, हमें इटावा से फिर फ़ोन गए तो जी लड़का को ऐसे ऐसे जो है महिवा है जी लड़की। तो महिवा मतलब क्या, खुद से आई तो ये आके हाँ थी? कोई छोड़ गया, छोड़ गया। हाँ पड़ी। तो आप क्या ढूंढ रहे थे, कब से गायब थी क्या? हम 1 बजे पहुँचे गए थे इटावा। तो ये कितने बजे ट्रेन में बैठी थी, कौन सी ट्रेन थी? वो कोटा एक्सप्रेस थी। कोटा एक्सप्रेस थी, हाँ जी। कहाँ गई थी ये? अपने ममाने, ममाने से लौट रही थी। हाँ। तो अभी आप क्या हुआ है, अभी आप थाने आए? अब कहा जिंदे नहीं कहना है, अभी के सब कहा हुए। पीड़िता का आरोप है कि हैवानों ने उसे करीब 5 घंटे बंधक बनाकर रखा और बेहोशी की हालत में कानपुर आगरा हाईवे उजियानी के पास फेंककर फरार हो गए। होश में आने के बाद वो किसी तरह महेवा पुराने चौराहे पहुंची, जहां राहगीरों ने उसकी हालत देखकर मदद की और परिवार को सूचित कर घर तक पहुंचा दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक महिला ने आकर सूचना दी कि रात्रि में वह MP के सोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तथा एक स्टेशन पर कुछ पुरुषों के साथ ट्रेन से उतर गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव किया गया। उसकी तहरीर पर थाना बकेवर में 0 FIR दर्ज कर ली गई है तथा GRP को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। फिलहाल GRP को जांच ट्रांसफर की गई है और GRP ने इटावा स्टेशन के कई CCTV खंगाले हैं। लड़की का वीडियो बनाने वाले आरोपी और गैंगरेप आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।